गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गाड़ी का रिव्यू लाया हूँ, विच इज द टाटा नैनो 2010 मॉडल, और ये है द CX वेरिएंट, विच इज नॉट द टॉप एंड कार। अब ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? नॉस्टैल्जिया इज ऑल आई विल से। ये गाड़ी के साथ हमारे काफ़ी अच्छे मतलब मैंने ये गाड़ी को जब लॉन्च हुई थी, आई ड्रिवन इट ऑल इंडिया बैक इन द टाइम, पर ये एग्जैक्ट ये मॉडल नहीं था, दैट वॉज द LX। तो आज मैं सोचा क्यों ना आपको ये गाड़ी का रिव्यू कर दूँ। एक किसी ने गाड़ी थी हमारे पास, हु वॉज गोइंग टू सेल इट वेरी सून, तो मैं सोचा क्यों ना एक आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँ और बता दूँ आपको कैसी है टाटा नैनो और इसके साथ यादें कैसी थी लोगों की, व्हाट डिड पीपल फील अबाउट इट। तो ये वीडियो डिटेल रहने वाला है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, सो वॉच इट टिल दी वेरी एंड। जो भी आपके सवाल है अबाउट नैनो या जो आपको नहीं पता, इफ़ यू आर समवन यंग वॉचिंग दिस वीडियो, तो इसको एंड तक देखिए, एल्स यू आर गोना मिस आउट ऑन द लॉट ऑफ नैनो इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको पहुंचाने वाला हूँ। सो किस बात के लिए रुके, शुरू करते हैं आज का सेशन। अब टाटा नैनो की अगर मैं बात कर लूँ स्पेसिफिकली एज अ प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इंडिया की नहीं बल्कि मैं कहूँगा वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार का इसको टैग मिला था बैक इन द डे। जब ये लॉन्च हुई थी तब $2,500 इसको कहते थे, लाइक ₹1,00,000 की गाड़ी। नॉर्थ इंडिया में लोग इसे लक टकिया भी कहते थे। सो दिस इज़ वॉट इन्फॉर्मेशन आई लाइक टू शेयर विथ यू अबाउट दिस प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक। अब इसकी डिज़ाइन अगर आप देखेंगे ना, आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी यूनिक है इन इटसेल्फ, मतलब इसकी जैसी कोई और गाड़ी बनाई ही नहीं गई है आज तक कोई मार्केट में, और डिज़ाइन के मामले में ये कोई और गाड़ी से कहीं पे भी मेल नहीं खाती है। पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये कि जो फ्रंट एंड जो है काफ़ी क्यूट है इसका, आपको कुछ ग्रिल आगे नहीं दिखाई देगी, काफ़ी सिंपलिस्टिक इसका फ्रंट है। तो नॉर्मली आपको यहाँ ग्रिल आती है, इस पर नहीं है क्योंकि इसकी इंजन आगे है ही नहीं, इसकी इंजन पीछे दी हुई है। इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट, डे टाइम रनिंग LED, वो सब का कॉन्सेप्ट नहीं पता इस गाड़ी को, क्योंकि ये जब गाड़ी आई थी तब ये सब चीज़ें नहीं थी, और जो कीमत पे ये आ रही है तब आपको गाड़ी मिल गई वो एक बड़ी बात थी फॉर द टाइम लाइन। लोगों के डाउट थे कि ये गाड़ी मेटल है या नहीं, तो पूरी मेटल ही है ये गाड़ी, इसमें कहीं पे भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया प्लास्टिक ऑन द आउटसाइड बॉडी एक्सेप्ट फॉर द बम्पर्स। बस एक बम्पर एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। अब ये गाड़ी जब लॉन्च होने वाली थी तब इसके कई सारे नाम आए थे, किसी ने इसे मिंट कहा था, कभी इसे कुछ और नाम दिया गया था, कोई इसे मिनी कह रहा था, कोई इसे माइक्रो कह रहा था, पर फाइनली जब नाम आया इसका नाम नैनो पड़ा, और जब कंपनी ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था तब ये येलो कलर में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था सनशाइन येलो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वॉज वॉट द कलर वॉज कॉल्ड। तो ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है काफ़ी सिंपलिस्टिक है, मैं आपको एक बार इसका बॉनेट भी खोल के दिखाता हूँ, थोड़ी मेहनत की काम है, पर एक बार मैं अगर आपको इसका बॉनेट खोल के दिखा दूंगा ना तो आपको आइडिया आएगा कि क्या है इसके नीचे। तो ये बॉनेट रहा इसका, यहाँ आपके पास स्टोरेज के लिए सिर्फ टायर है। अब क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है, आई डोंट नो व्हाट कंडीशन इट हैज़ बीन केप्ट, तो रस्टिंग तो हो गई है, पर इसको आगे सिर्फ तीन चीज़ें मिलती है। एक तो ये, यहाँ से आपका AC का हवा आती है, ये आपका स्पेयर टायर है। अब स्पेयर टायर जो है आपको छोटा साइज़ का आता है, फुल साइज़ का नहीं आता है, तो फ्रंट और रियर टायर साइजेस में डिफरेंस आता है ऑन द LX, और आगे आपको छोटा टायर दिया जाता है। आपके पास यहाँ पे कूलेंट के लिए है पॉइंट, बेसिकली दिस इज़ योर कूलेंट फॉर वाटर, और ये रहा आपका ऑयल, ब्रेक ऑयल आगे है। तो ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में आगे की तरफ दी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ फीचर नहीं मिलते। अब ये गाड़ी ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है, तो इस वजह से इसकी हालत ऐसी है, आप देख रहे हो रस्टिंग है कहीं कहीं पे, पेंट उखड़ा हुआ है एंड ऑल दैट एस्पेक्ट। तो ये इसका फ्रंट की कहानी है। साइड में जब जहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन है, यानी कि लंबे लोग भी अगर बैठेंगे गाड़ी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स अ टॉल बॉय डिज़ाइन जो इसको फंडामेंटली कहते हैं, जैसे सैंट्रो होगी, वैगनार होगी, दैट सेम फंडामेंटल यहाँ फॉलो किया गया। अब अगर आपका सवाल आता है कि इसका इंजन कहाँ है, तो इसका इंजन जनरली आप सोचोगे यहाँ है, पर इसका इंजन यहाँ पे नहीं है, इट इज़ टूवर्ड्स द बैक ऑफ द कार, जो बेसिकली इतनी एरिया में इसका इंजन आ जाता है। यहाँ पे पैच है जहाँ से इंजन आता है और सीधा आपके रियर व्हील्स को पावर करता है। इसमें आपको 2 सिलेंडर इंजन आता है, 3 की जो कंप्लेन करते हैं, इसमें 2 सिलेंडर इंजन है, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली एडवांस्ड इंजन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एनीवेज, मूविंग ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स, आप नोटिस करोगे इसको ग्लास एरिया बहुत है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल एरी फील आएगा, ऐसे नहीं लगेगा कि जगह कम है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे इसका रियर ग्लास भी एरिया काफ़ी बड़ा है। ऑफ कोर्स जो डोर हैंडल्स है वो बहुत बेसिक है, इट्स पर दरवाजे का थर्ड
सुन रहे हो, इट्स प्रीटी सॉलिड। तो इसकी जो बिल्ड है वो बहुत ज़बरदस्त थी पहले भी, एंड इट्स अ फैंटास्टिक कार टू हैव। हाँ, 12 इंच के व्हील्स आते हैं इसको, 13 इंच के व्हील्स नहीं आते। अलॉय व्हील्स का कॉन्सेप्ट तो इस गाड़ी को पता ही नहीं था, एटलीस्ट जब लॉन्च हुई थी तब अलॉय व्हील्स का कॉन्सेप्ट वॉज नॉट इवन वर्थ थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि इस गाड़ी को इन्होंने लॉन्च किया था 1,00,000 रुपये में। मुझे अभी भी याद है, ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2009 में ताज होटल में, मैं खुद वहाँ गया हुआ था, एंड द फर्स्ट थिंग मिस्टर टाटा सेड कि अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि मैं 1,00,000 रुपये में गाड़ी लॉन्च करूँगा, तभी उन्होंने ये गाड़ी को 1,00,000 रुपये में लॉन्च किया था एक्स फैक्ट्री फॉर द बेस मॉडल, और वो उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट कम्प्लीट किया वहाँ पर। अब रियर से ये गाड़ी बहुत सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले टाटा इंडिका आती थी जिसको बड़ी टेल लैंप होती थी, तो ये सेम लुक इस गाड़ी को भी दे दिया गया है, तो वो एक फैमिली लुक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और जो हायर वेरिएंट आते हैं उसको यहाँ पे आपको वाइपर एक्सेट्रा आता है, पर नॉट ऑन दिस मॉडल। इसको पीछे से बूट नहीं खुलता है। आई स्टिल रिमेंबर जब हमारे पास नैनो थी, हम चला रहे थे, एंड बैक इन द डे लोग कहते थे डिक्की खोलो, डिक्की चेक करनी है, तो डिक्की खुलती नहीं है इस गाड़ी की, इट इज़ लॉक, मतलब इट इज़ फिक्स्ड। हाँ, जो आगे चल के मॉडल आए थे नैनो के, जब AMT, CNG ये सब ये लोग ने ऑफ़र करने लगे थे, तब इन्होंने बूट खोलने का ऑप्शन दिया था, पर पहले जो ओरिजिनल नैनो आती थी उसकी बूट भी नहीं खुलती थी। आपको एक बार चाबी भी दिखा देता हूँ गाड़ी की, कुछ ऐसे दिखती है, बहुत सिंपलिस्टिक चाबी है, कुछ भी नहीं है इसको, यू हैव नथिंग कॉल्ड बटन्स और पैसिव एंट्री और एनीथिंग इन दिस कार, तो वो चीज़ बहुत सिंपलिस्टिक है इसकी, और ये अभी भी बरकरार है। अब अगर मैं आपको सेकेंड रो की स्पेस दिखाऊं इस गाड़ी की, आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो इसकी स्पेस दी हुई है वो बहुत ज़्यादा है, और 6 फुट का बंदा तो इधर आराम से बैठ सकता है बिना किसी दिक्कत के। देखिए, अगर मुझ जैसा इंसान पीछे आके बैठ जाए तो कोई कमी है ही नहीं, हेडरूम की कमी नहीं है, नी रूम की कमी नहीं है, आराम से बैठ सकते हो, 2 नहीं 3 लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में बिना किसी दिक्कत के। ऊपर पकड़ने की भी जगह है। हाँ, गाड़ी ये वाली पुरानी होगी तो थोड़ी खटारा हालत में है, पर है, अब गाड़ी मेंटेन नहीं है तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। इसमें हेडरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, और आपकी सीट्स भी फोल्ड होती, और ये सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है इस गाड़ी की एकदम आसान से। तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है ले जाने को, तो आप इसमें सामान भर के ले जा सकते हैं, वरना ये आप यहाँ लगा के सामान डाल के आप डिक्की ऐसे ये बंद कर सकते हो, आपकी डिक्की की ओपनिंग यहाँ से होगी इस गाड़ी की। ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, और ज़्यादा सामान मैं रखने को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इंजन है ना वहाँ पे, इसकी इंजन यहाँ पे है, ये यहाँ पे इंजन है, तो ये गर्म हो जाता है। मुझे अभी भी याद है, हमने जब नैनो चला रहे थे तब हमारा इंजन से काफ़ी कुछ सामान गर्म हो रहा था। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मैंने ऑल इंडिया नैनो चलाया है, दिस वॉज बैक इन 2010, जब गाड़ी नई नई मार्केट में आई थी, तब हमने नैनो चलाई थी ऑल इंडिया। 7,000 किलोमीटर हमने किया था इन अबाउट 14 डेज के आसपास, गाड़ी 100 की स्पीड पे आराम से पहुंच जाती थी। इट्स जस्ट अ नॉस्टैल्जिया मोमेंट फॉर मी। अब फ्रंट सीट्स दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा जगह है ऑन द इनसाइड इस गाड़ी के, स्पेस काफ़ी कुछ है ऑन ऑफर। फीचर्स तो कुछ नहीं आते थे यार गाड़ी में, क्योंकि ये CX है तो इसमें आपको कुछ भी फीचर्स नहीं है, वरना LX होता तो आपको 2 पावर विंडोज़ आते हैं जो यहाँ नीचे की तरफ होते हैं, इसमें नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम आता है आपको LX में जो इसमें नहीं है, और इसमें 2 स्पीकर्स आते हैं जो यहाँ प्लेस किए जाते हैं जो इस वर्ल्ड में नहीं है। इनफैक्ट इसका जो डिस्प्ले भी आता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो यहाँ सेंटर में दिया हुआ है, बहुत कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, काफ़ी सिंपलिस्टिक है। स्टीयरिंग भी एकदम नन्ना सा, एकदम लाइक नैनो की तरह ही है एकदम स्टीयरिंग व्हील इसका, विच इज़ देयर। 4-speed गियरबॉक्स है इस गाड़ी का। अब एक काम करते हैं ना, आप एक बार गाड़ी का पूरा इंटीरियर देखोगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी है, जैसे ऊपर यहाँ स्टोरेज हो गई आपके लिए। ग्लव बॉक्स तो नहीं आता था ये वेरिएंट में, हायर वेरिएंट में ग्लव बॉक्स आता था, पर ये आपकी स्टोरेज है, और यहाँ पे भी जो बंदा बैठेगा वो एकदम आराम से अपराइट बैठ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो लॉन्ग ट्रिप पे जाने को बिल्कुल थकावट नहीं होगी। विजिबिलिटी के मामले में कोई कंप्लेन है ही नहीं, ग्लास इतना बड़ा, आगे इतना बड़ा कांच, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस गाड़ी में। वाइपर एक ही आता है इसमें। अभी हम नैनो के अंदर आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट द कार। 2-cylinder इंजन का नॉइज बाहर से सुनोगे तो ऑटो रिक्शा जैसा लगेगा, बट अंदर बहुत स्पोर्टी है लाइक तो 4-speed गियरबॉक्स है ये, जिनको नहीं पता ये 600cc के आसपास है इसका इंजन साइज, 2-cylinder, एंड मोर ओवर इट हैज़ 33 brake horsepower,
चलाने में बहुत जबरदस्त है, लिसनिंग टू द एग्जॉस्ट, क्या सुनाई देता है ये, दिस इज फैंटास्टिक। मतलब आप इस पे सिटी में चलाओगे तो यू हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज यू गेट बहुत जबरदस्त विजिबिलिटी इसमें, और साथ में चलाने में भी काफी मजेदार है गाड़ी। तो 105 इसकी टॉप स्पीड है एटलीस्ट फॉर अ ओल्ड मॉडल, और जैसे ही आप 105 पे जाते हो 5-6 सेकंड्स बाद इंजन कट ऑफ करता है, उसको 100 पे लेके आता है। तो आप 100 मेंटेन कर सकते हो, 105 नहीं मेंटेन कर सकते हो, जस्ट फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं चलाई। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, नैनो जब आई थी तब मैंने इसे ऑल इंडिया चलाया था, बैक देन आई वाज लाइक 22 था, 2010 की बात है ये, एंड हमने इस गाड़ी को चलाया था ऑल अक्रॉस इंडिया, मुंबई, दिल्ली, कैलकटा, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, ये हमने किया था विद इन 14 डेज। गल्फ ऑयल के साथ हमने पार्टनरशिप पे किया था बैक इन द डे। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है चलाने को। इसमें आपको फ्यूल टैंक लेफ्ट सीट के नीचे आता है और जो आपका बैटरी है वो राइट सीट के नीचे आता है। तो हमने जो म्यूज़िक सिस्टम लगाया था उसका हमने सबवूफर ये सीट के नीचे लगाया था क्योंकि बैटरी इसके नीचे थी, तो जब भी हम लाउड पे म्यूज़िक बजाते थे ये सीट एक अच्छा मसाज भी देती थी साथ में। सो टॉकिंग अबाउट द नैनो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा है, 100-105 आप आराम से कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली यू कैन ड्राइव एट दैट स्पीड, बहुत ईजी है टू ड्राइव। अगर आप एक न्यू लर्नर हो, अगर आप खराब रास्तों पे चलाते हो, दिस कार इज फैंटास्टिक। अब ये स्पेसिफिक गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ इसका अलाइनमेंट थोड़ा ऑफ है तो आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द स्टीयरिंग, वरना फैंटास्टिक चॉइस। ओवरऑल मैं कहूँगा 2-सिलेंडर इंजन, 1-सिलेंडर इंजन, 3-सिलेंडर इंजन फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ फैंटास्टिक टू ड्राइव। हाँ, AMT मुझे इतना पसंद नहीं आता इस गाड़ी का, और एक चीज़ जो आप इस गाड़ी में क्लियरली मिस आउट करोगे ना वो है लग्जरी। लग्जरी नाम की चीज़ है ही नहीं इन दिस मॉडल। अगर आप LX आपको मिल जाता है तो LX में पावर विंडोज आते हैं, म्यूजिक सिस्टम आता है, विच इज़ नॉट देयर इन दिस कार। देखिए, चलाने में अगर नैनो की बात कर लूँ तो इट इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव, कोई इसमें दो राय नहीं है, एकदम कंफर्टेबल। और अगर सिटी ड्राइविंग की बात कर लूँ तो आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है ओवरऑल एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। सो अगर आपको नैनो मिलती है सेकेंड हैंड मार्केट में, इट्स अ ग्रेट चॉइस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि ये गाड़ी कंफर्टेबल है 5 लोगों को बिठा के जाने के लिए। आई डोंट थिंक सो, सर्विस कॉस्ट 1,000-1,500 से ज़्यादा आएगा, जो आज के तारीख में बाइक भी ज़्यादा देती है इससे। सो स्टिल इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। आई विश ये अभी भी सेल पे होता, आई विश लोग इसे कंसिडर करके खरीद रहे होते थे तो ये प्रोडक्ट बंद नहीं हुआ होता था, एंड आई स्टिल फील इट्स अ ग्रेट चॉइस। अगर आपको यूज्ड कार में नैनो मिलती है, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी ये गाड़ी मार्केट में, तो आंख बंद करके उठा लो इसे ओलाइल से एज रिमेम्बरेंस, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 20-25 या मैक्स 40 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। इसको कम्प्लीटली ओवरहॉल करके यू कैन मेक इट लुक वेरी नाइस, एंड आई फील इट्स अ ग्रेट चॉइस। सो ये था हमारा एक क्विक वीडियो ऑन द टाटा नैनो। हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वुड यू लाइक टू सी मोर सच कॉन्टेंट और नो, और साथ में इतना वीडियो देखा है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हम आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो ला रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, गो एंड प्रेस दैट राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो, टेक केयर, सी यू टुमारो।